तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलन। मेरे हम एशिया टेलीकॉम की तरफ से, हमारे साथ है दुर्गेश सर और एक स्टूडेंट है, और इनकी आज लास्ट दिन की फेयरवेल है। मतलब एकदम हम बोलते हैं कोर्स ख़त्म है और लास्ट डे की जो ये सर्टिफिकेट लिए हैं, आपका सर्टिफिकेट, इनका सर्टिफिकेट अब लिए हैं अभी। जी सर, अब सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको क्या फील हो रहा है और पूरा फीडबैक बताइए कि शुरू से लेकर आखिर तक, डे वन से लेकर अभी तक क्या आपको मिला और क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए, क्यों एशिया टेलीकॉम इज़ बेस्ट ऑफ इंडिया। जी सर, जैसे सर हमारा नाम विराट चौधरी, मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। सर पहली बात तो मैं जब पहला दिन आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था यहाँ के बारे में, लेकिन जब मैं पहली दिन सर देवरतन सर के साथ मैंने पहली क्लास की डेमो क्लास, तो उसमें मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ मैं किसी जगह पे आया हूँ। वाकई में इस जगह मेरे लिए स्वर्ग से बढ़कर, मैं क्या बोलता हूँ, स्वर्ग से भी बढ़कर है हमारा ये जगह। और यहाँ पे जितने भी हमारे मेंबर हैं एशिया टेलीकॉम के, जितने भी परिवार हैं, बहुत ही इको फ्रेंडली, और कोई भी ये नहीं है कि आपको अलग तरीके से देखते हैं, जो भी देखते हैं एज अ फैमिली तरह से देखते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आए एशिया टेलीकॉम ही आए, क्योंकि एशिया टेलीकॉम के जैसा किसी भी जगह पर मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप कहीं जाओ। मैं एशिया टेलीकॉम इसलिए आने के लिए बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का भंडारण है, महासागर, जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर एशिया टेलीकॉम। चलिए, आपने 4G CPU यहाँ पे लाइव किए हैं? बहुत सर, मैंने और आसान तरीके से किया हूँ सर 4G CPU। आज के उसके बाद मैं बोलूँ कि कोई भी सेक्शन हुआ, जैसे आज की डेट में I2C की लाइन है, बहुत सारे लाइन है, उस सारे लाइन को आप ट्रेस कर सकते हैं एकदम सर बेहिचक। उसके बाद आप नेटवर्क सेक्शन कितने आसानी से कर सकते हैं? नेटवर्क सेक्शन तो सर हमारे लिए मक्खन हो गया, एकदम कहना ही नहीं है। पहले तो लगता था कि क्या है, लेकिन अब मुझे सब चीज़ का वैल्यू पता चल रहा है कि किस चीज़ का किस जगह पर जरूरत है। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आया, खाली WTR चेंज करेंगे? नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना होता है कि डायरेक्ट सीधा IC उतार ले, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने को पहले चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, उसके बाद ही उसको फाइनली। देव सर के साथ डेट सेक्शन कैसा रहा? सर देव सर के साथ तो डेट सेक्शन में ऐसा लगा कि मैं मुर्दे में जान डाल दिया हूँ, ऐसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हूँ दुर्गेश सर से। दुर्गेश सर, जो सॉफ्टवेयर पढ़ा है, क्या आपको विंडोज 7 में पढ़ा है कि लेटेस्ट जनरेशन में पढ़ा है, या ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या क्या फर्क लगा सॉफ्टवेयर में, या क्या आप पहले से सॉफ्टवेयर करते थे? नहीं, पहले से हम नहीं करते थे सॉफ्टवेयर, पहली बार जब आए। लेकिन हाँ, ये चीज़ जानते थे कि ऑनलाइन ऑनलाइन लोग बोलते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुर्गेश सर के पास कोई ऑनलाइन कोई चीज़ है। सर बोलते सब ऑफलाइन, तो क्या ऑल टू ऑल ऑफलाइन है। इनके पास सीधा सेक्शन है, कुछ भी हो लाओ, विंडोज का कोई फर्क नहीं, क्या विंडोज 7 हो, 10 हो, चाहे 12, 20 क्यों ना विंडोज आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चलेगा। उसके बाद हम बात करें कि पेस्टेडाइस में कैसा रहा? सर पेस्टेडाइस तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं किया हूँ खुद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं किया हूँ। अब MMC में कैसा रहा? सर MMC तो हमारा दूसरे दिन से ही लग रहा था कि मक्खन हो रखा है। सर आपसे सर मिलन सर, इसके बारे में कुछ बोलो कि यहाँ पर ई बुक की क्या सर लोग परचेस करें तो क्यों करें? देखिए पहली बात तो ये है कि इस बुक से अगर यहाँ पे लोग पढ़ते भी हैं तो भी ठीक, अगर कोई बाहर के लोग भी लेना चाहते तो ले सकते हैं, क्योंकि इस बुक में इतने ज्ञान है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो मैं पढ़ा हूँ ना, 100 तो नहीं बोल सकता, लेकिन 90% आपका इसमें है, जो कि आप इसके थ्रू आप ज्ञान ले सकते हैं। बट मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि एशिया टेलीकॉम आए, उसके बाद इस बुक का आप यूज करें। पर जो जैसे स्टूडेंट है, बहुत गरीब है, जो हाँ, नहीं आ सकते है, तो वो ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते, एकदम एकदम वो बेहिचक ले सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है सर का वेबसाइट। बहुत सारे करने के बाद भी लिए, क्योंकि उनको जान रहे कि इसमें कंक्लूजन पूरा क्लियर होना ही होना है। अगर कोई इन केस अगर नहीं मिल पाता या फिर कोई सवाल का सॉर्ट आउट नहीं होता, बस एक किताब ये खोलना है, बस पलटाना है, आपको सारा सवाल का जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अब आशा करता हूँ बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या प्लानिंग है सर यहाँ से जाने के बाद? तो सबसे पहले मैं लैब बनाऊंगा सर, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा सर। टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सर, टूल्स तो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलूं, मैं तो पैसा नहीं लाया ना, तो यहां से मैं टूल्स लेके ही जाता मैं। तो यहां की जो डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, यहां पे जो पढ़ाने का, ऐसा तो नहीं कभी भी हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं सॉफ्टवेयर नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहां पे जैसा रूल है, रूल के हिसाब से टोटल चीज मिलते हैं, ये नहीं कि आपको एडवांस कुछ बता दिया जा रहा है जो ओवर जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। जो आपका रूल से चल रहा है, रूल से ही पढ़ाया जाता है। तो यहां पे कौन से स्टूडेंट आए, हार्डवर्क करने वाले हैं कि 2 घंटे स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ने वाले हैं? यहां पे सर हार्डवर्क वाले हैं, जो 12 से 14 घंटा पढ़ सकते हैं वही सिर्फ यहाँ पे हैं, अन्यथा वैसे तो काउंसलिंग में अधिकतर लोग छट जाते हैं, मैं तो सीधा बात बोलता हूँ। एक चीज और लास्ट की, आपको बोला जाता है मनी बैक कि 4 दिन में अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो आपको पैसा रिफंड होकर आप वापस जा सकते हैं, तो आपको कोई दबाव या फिर ऐसा बोला गया मत जाओ? मैं तो सर एक ही चीज बोलूंगा, जो भी यहाँ पे आएंगे ना, उनको 4 दिन के बाद, 5 दिन 10 दिन के बाद भी बोलेंगे ना आप पैसे ले जाओ, तो वो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा ज्ञान मिल जाएगा ना कि उन्हें मन ही नहीं करेगा कि मैं पैसा, उन्हें लगेगा कि मैं कितना ज्ञान ले लूँ यहाँ से, जितना ज्यादा ज्यादा।
बताइए कि किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद, yes, अब इसे टेलीकॉम से पढ़े या किसी भी तीसरे चौथे इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो इसके बाद में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए यहाँ से जाने के बाद, तुम्हारे हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर सीखने के बाद जी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है सर। सबसे ज़्यादा हैंड स्किल आपका क्लियर होना चाहिए और पहले मेहनत कीजिए। अगर आप सोचिए कि जा करके तुरंत एकदम आगे बढ़ने वाले, मैं तो सर पहले प्रैक्टिस करूंगा, लैब बनाऊंगा, लैब, हाँ सबसे पहले मैं लैब बनाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, जम के प्रैक्टिस करूंगा, यहाँ तक कि दिन और रात नहीं देखूंगा। तो जितने सर्किट तुमने सीखे, यस सर, मेरे से, मिलन सर से, दुर्गे सर से, सारी चीज जो हम तीनों से सीखी, वो तीनों चीजों को तुम अब अप्लाई करोगे, राइट? मैं खुद लाइव अप्लाई करूंगा, लाइव अप्लाई करोगे, लाइव तो यहाँ भी किया हूँ, लेकिन वहाँ क्या अकेले करोगे, अपने स्तर पर ऑन टेबल खुद करोगे, और अब उसमें कुछ अटकोगे तो उसके लिए फिर हम उसी चीज को बैकअप सपोर्ट करते हैं, राइट? यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है। और बैकअप के लिए क्या बोलोगे सर? बैकअप के लिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जितनी बार चाहे उतनी बार आप आ सकते हो, और यहाँ पे मैं क्या बोला कि एशिया टेलीकॉम की जो परिवार है ना, मैं मानता हूँ कि एशिया टेलीकॉम के परिवार में मजबूती एकता है, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला गया बैकअप के लिए आपको इतने पैसे पे करने होंगे, कुछ नहीं सर, एक रुपये नहीं देने। बैकअप का मतलब बैकअप, और भी लाइफ टाइम बैकअप है, जब तक आप हैं, जब तक आप कनेक्ट रहेंगे हमारे से, तब तक आप बैकअप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी, पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। टी सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर की है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू कैसे रिबोल करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की। ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया गया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने